नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदु चंदिल। हरियाणा में फतेहाबाद के टोना में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के 40 छात्रों की सामूहिक पिटाई करके बच्चों की खाल उधेड़ देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सामूहिक पिटाई के बाद 10 छात्रों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। पिटाई से घायल हुए छात्र और उनके परिजनों ने पुलिस को मामले की शिकायत दर्ज करवाई है। घटना 6 सितंबर को हुई है और स्कूल से लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारी दिन भर मामले को दबाने का प्रयास करते रहे। आखिरकार देर शाम फतेहाबाद के जिला शिक्षा अधिकारी दयानंद सियाग ने सामने आए और जानकारी देते हुए बताया कि टोना के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में एक कक्षा के छात्रों की सामूहिक पिटाई के मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और शिक्षा विभाग की तरफ से भी खंड शिक्षा अधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई है। खंड शिक्षा अधिकारी ने रिपोर्ट अभी तक सबमिट नहीं की है। जैसे ही खंड शिक्षा अधिकारी की ओर से पूरे मामले की रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सबमिट करवा दी जाएगी। रिपोर्ट को कुछ अधिकारियों के संज्ञान में लाकर आरोपी स्कूल स्टाफ पर सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। वहीं पिटाई के पूरे मामले की जानकारी देते हुए अस्पताल में भर्ती घायल छात्र प्रीतपाल सिंह ने बताया कि कक्षा में पीछे की तरफ बैठे किसी एक बच्चे ने सीटी मारने की शरारत की थी और इस दौरान कक्षा में पहुंची अध्यापिका ने तेश में आकर पूरी कक्षा को बाहर बुला लिया और मुर्गा बनाकर सबकी पिटाई की। वहीं गंभीर चोटें लगने के बाद अस्पताल में अपने परिजनों के साथ शिकायत लेकर थाने पहुंचे छात्र परमजोत ने बताया कि स्कूल में किसी एक बच्चे की शरारत की वजह से 3 अध्यापकों ने पूरी कक्षा के सभी बच्चों की बुरी तरह से पिटाई की। डंडों से बच्चों की इतनी पिटाई की गई कि शरीर पर मार मार के डंडे ही तोड़ दिए गए। यहाँ तक कि पिटाई करने वाले अध्यापकों ने कई बच्चों से गाली गलौज भी की। थाने पहुँचे एक पीड़ित छात्र के अभिभावक रामचंद्र ने बताया कि स्कूल में बच्चों को बुरी तरह से पीटा गया, जबकि किसी एक बच्चे ने शरारत की थी। हालांकि जिस बच्चे ने शरारत की थी उसे भी थप्पड़ चांटे लगाकर समझाया जा सकता था, लेकिन एक बच्चे की गलती की वजह से पूरी कक्षा के बच्चों को इस कदर पीटा गया कि बच्चों के शरीर उधेड़ दिए गए और कई बच्चों के शरीर पर चोटें मार मार कर खून निकाल दिया गया। सरकारी स्कूलों में गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ने आते हैं और बच्चों के साथ इस तरह का सलूक करना गलत है। जो भी अध्यापक बच्चों की इस तरह से पिटाई करने के लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि इस तरह से कोई बच्चों को दोबारा पीटने की हिम्मत ना करे। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस के पास पहुंची शिकायत पर स्कूल के 3 आरोपी अध्यापक PTI रजनी, DP मंगेराम और लेक्चरर चरणजीत सिंह के खिलाफ SC ST एक्ट की धारा और IPC की धारा के तहत FIR दर्ज की गई है। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग भी मामले में सख्त कार्रवाई के लिए ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बनरिया वन इंडिया हिंदी के साथ।